जिसको नहीं बनी हुई It is indeed a privilege to be here as part of the design of the Honorable Lieutenant Governor for the development of this area. It is a very important step where we are creating the environment, the eco-environment which will lead to good industrial development, employment opportunities, the skilling of our youth, and the availability of good resources, manpower here, so that it would also attract. 7 दिसंबर को बारामूला के CIIT का लोकार्पण हुआ था और जैसा कि मेरे पूर्व लोगों ने बताया है कि 180 बच्चों के साथ बारामूला का केंद्र शुरू हुआ है. जम्मू का केंद्र आज 12 अप्रैल को शुरू हो रहा है. विलंब से शुरू हुआ है लेकिन मुझे लगता है कि देर हुई है, लेकिन ठीक से काम हुआ है. देर आए दुरुस्त आए मैं कह सकता हूं. सामान्य रूप से अगर आप देखें देश की तकनीकी शिक्षा को तो दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करने वाले देश हम हैं, लेकिन जितने विद्यार्थी इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं 50% से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार नहीं है. स्वाभाविक रूप से कारण बड़ा स्पष्ट है. देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट वी प्रोड्यूस एंड व्हाट इंडस्ट्री नीड्स. ये लंबे समय से महसूस किया जा रहा था. अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद यहां मैं जब से आया हूं देख रहा हूं लोग मिलते हैं. कई जगह आप लोग खुद देखते होंगे कि 8,000-10,000 की नौकरी भी इंजीनियर कर रहे हैं. मुझे लगता है कि आज का ये कदम एक महत्वपूर्ण कदम है और जो बदलता हुआ वैश्विक परिवेश है, जब इंडस्ट्री 4.0 की बात पूरी दुनिया में हो रही है, तो मैं मानता हूं कि इस तकनीकी दौर में इस सेंटर का बड़ा उपयोग होगा और जम्मू रीजन के नौजवानों के लिए उनकी रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए ये केंद्र आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा. मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता हूं. लैब अभी हमने देखी है. अभी भटनागर साहब ने बताया कि IIT के डायरेक्टर साहब अभी कह रहे थे कि हमारे यहां लैब में भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं है. मोटे तौर पर जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जम्मू की पहचान इंस्टीट्यूशंस के शहर के रूप में हो रही है. आप देखें तो देश का अकेला शहर है जम्मू, जहां IIT भी है, IIM भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, एम्स भी है और तकनीकी रूप से सक्षम आज एक नया केंद्र जम्मू में बना. देश में कोई दूसरा शहर नहीं जहां इतने संस्थान एक साथ हो. मुझे लगता है कि एक किस्सा आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल में मैंने पढ़ा था कि एक आदमी 11वीं शताब्दी में सो गया और उसकी नींद खुली 15वीं शताब्दी में. तो जब 15वीं शताब्दी में जगा तो उसको दिखा कि जिस घर में रह रहा था वो उसी प्रकार विद्यमान है. लेकिन थोड़ा अगर दूसरी दृष्टि से आप सोचें कि अगर 16वीं शताब्दी में कोई सोता और आज की सदी में जागता और आईफोन की रिंगटोन सुनता, तो मुझे लगता है वो कफलत में पड़ सकता था. ये बड़ा भारी बदलाव हुआ है पिछले कुछ दिनों में. ह्यूमन पावर और तकनीक
इस तेजी से बदल रहे हैं कि कई बार उसके साथ चलना या उसे शब्दों में परिभाषित करना ये बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। और ये संकेत जो किस्सा मैंने बताया मुझे लगता है संकेत देता है कि इनोवेशन जिस तरह से हो रहे हैं, जिस दिन बारामूला का केंद्र शुरू हुआ था और आज इस छोटे से कालखंड में मुझे लगता है कि 30-40 ऐसे इनोवेशन दुनिया में हो गए हैं जो केवल इनोवेशन नहीं बल्कि इंडस्ट्री में उनका उपयोग हो रहा है। और आप देखिए जब हम लोग पढ़ते थे मुझे लगता है कि किसी भी विद्यार्थी से पूछिए कि देश के 10 टॉप इंजीनियर्स का नाम बताइए, लोग बता देते थे। किसी फील्ड में 5 बड़े नाम देश के बताइए तो लोग बता देते थे। आज अगर आप पूछिए कि भाई रैपिड टेस्ट के लिए जो सबसे पहली किट बनी 5 मिनट में रिजल्ट देगी, किसने आविष्कार किया, शायद इस हाल में बंद बैठे किसी व्यक्ति को नहीं मालूम। उसके चंद महीने बाद एक दूसरे नौजवान ने फिर ऐसी किट बनाई जो 3 महीने में रिजल्ट दे देती। आप पूछिए यहां किसी को नाम नहीं आता। तो मुझे लगता है जिस तेजी से बदलाव हो रहा है इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है विद्यार्थियों के लिए भी और मुझे लगता है शिक्षकों के लिए भी। तो डॉक्टर ठीक कर रहा हूं। और जैसा बताया गया 30-35 इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट डिप्लोमा के कोर्स किए हुए नौजवान यहां अभी बताया है लोगों ने 292 एडमिशन। ये इसकी जो कुल कैपेसिटी है मोटे तौर पर जम्मू और बारामूला मिला करके लगभग 3,000 बच्चों को ट्रेन करने की कैपेसिटी है। अभी 292 है, आने वाले दिनों में संख्या 1400-1500 होने वाली है। अब आपने खुद देखा है कि यहाँ इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग थी, अब उसका किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और खासतौर से कोविड ने तो सोचने समझने और रहने का नजरिया ही बदल दिया। अब इंटेलिजेंट रोबोट अभी देख के हम लोग आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ये सब चीजें जो हम सुनते थे इसमें से अनेक लोग इसको सुनते रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ के नौजवान अब केवल सुनेंगे देखेंगे नहीं बल्कि उस पर काम कर सकेंगे और एक दूसरे से मर्ज करके वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को कैसे मिलाया जा सकता है इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल तैयार करना है जो इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप हो और इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी चुनौती सभी सिस्टम को सही तरीके से एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। और ये काम बजाबता ये CIIT निश्चित रूप से इसे पूरा करेगा। जरूरी नहीं है कि एडवांस ट्रेनिंग पाए हुए इंजीनियर ये खुद नौकरी करें, ये अपना भी कुछ कर सकते हैं। और आप सबको मालूम है कि अमेरिका इंग्लैंड के बाद आज भारत स्टार्टअप्स में दुनिया का तीसरे स्थान का देश बन गया है और जम्मू कश्मीर में भी इंक्यूबेशन सेंटर्स और स्टार्टअप्स ये आने वाले दिनों में भारी संख्या में आपको दिखने वाले। मुझे लगता है कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े में देख रहा वो 28,36,661 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुआ है और मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान के कारण मुझे लगता है कि आने वाले 2025 तक इस सेक्टर में 100 मिलियन नौकरियां भी होंगी। और मैं मानता हूं कि 25% GDP में इसका शेयर होने वाला है, ऐसा अनुमान लोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट जम्मू कश्मीर के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसमें 28,400 करोड़ रुपए के इंसेंटिव देने की बात हुई, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं कह सकता हूं कि देश के जो बाकी राज्य हैं उनकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो बहुत सोच समझ करके यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है और इस बात का ध्यान रखा गया है। सामान्य रूप से मुझे याद है वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, कुछ नए राज्य बने तो वहाँ टैक्स में भारी कंसेशन दिया गया, इंडस्ट्री कम लगी इंसेंटिव के लिए लोग ज्यादा गए,
मुझे लगता है कि उसका ध्यान इस पॉलिसी में रखा गया है कि इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आपकी इंडस्ट्री लगेगी और आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसका भी ध्यान रखा गया है, जैसे कई देश के कई राज्यों को आप देखिए, कुछ निश्चित स्थान है जहां इंडस्ट्री लगी और जो वास्तव में इलाके पिछड़े थे वहां इंडस्ट्री नहीं गई, तो इसका भी ध्यान रखा गया है पिछड़े इलाकों में भी लोग आएं और इन्वेस्टमेंट करें, ये प्रोत्साहन इससे मिलेगा। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में 25-30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में, जिस तरह का रिस्पांस मैं देख रहा हूं, यहाँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बैठी है, रोज मेरे पास भी 4-5 लोग देश के विभिन्न कोनों से फोन कर रहे हैं, और देश नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, साहब कब से शुरू कर रहे हैं, हम आना चाहते हैं, और रोजगार के अवसर भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। संतुलित औद्योगिक विकास इस जम्मू कश्मीर राज्य का हो, इस दिशा में कोशिश हो रही है, भारत सरकार के द्वारा भी हम सब लोग भी लगे हैं। जम्मू कश्मीर में अगर देखें तो मोटे तौर पर अब तक 70 स्टार्टअप्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं, और मैंने जिक्र किया आपको, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है आपके बगल में, वहां के एलुमनाई हैं आकाश, उन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ईंधन की खपत करने वाले इनोवेटिव प्रोडक्ट कुछ बनाए हैं और उनकी कंपनी अच्छे ढंग से चल रही है। जम्मू के ही रहने वाले विवेक नए तरीके से वर्क प्लेस डिजाइन कर रहे हैं, इस क्षेत्र में अच्छा काम शुरू करते हुए उन्होंने कंपनी खड़ी की है। श्रीनगर के आशाक हैं, वो रोबोट ड्रोन पर काम कर रहे हैं। अनेक उदाहरण आप आए दिन अखबारों में पढ़ते होंगे। यहाँ जिन 9 सक्षम केंद्रों में इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और को इंस्टीट्यूशनलाइज कर अलग अलग क्षेत्रों में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग ऑफर कर रहा है, उससे आने वाले समय में डिजाइन इंजीनियर उत्पाद इंजीनियर का बड़ा टैलेंट पूल खड़ा होगा। ऑटोमोटिव उद्योग हो, एरोस्पेस हो, विनिर्माण उद्योग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑयल एंड गैस हो, इसमें केवल नौकरी नहीं बल्कि खुद भी काम करने का टैलेंट यहाँ मिलेगा। मैं यहाँ के प्राचार्य प्रिंसिपल अरुण जी टाटा के हमारे सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। इस तरह के कोर्सेस आपने डिजाइन, मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। एमटेक तथा बीटेक के स्नातकों के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट 3 महीने की ट्रेनिंग रखी है, और अनेक की ड्राइवर्स का ध्यान आपने रखा है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मैं उम्मीद करता हूँ ये इंस्टीट्यूशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेकाट्रॉनिक्स कोर्स से भी अभी जिक्र किया यहाँ के उत्तराचार्य ने, मैं समझता हूँ कि अनेक लोग इससे प्रभावित हुए होंगे। स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लेकर के यहाँ के विद्यार्थी यहाँ के भविष्य को तो संवारेंगे, मुझे लगता है कि भारत के भविष्य को भी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में मजबूत करने में इनका अपना योगदान होगा। एक छोटी बात अगर मैं कहूँ तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से अब फ्रिज के अंदर क्या रखा है, सामान्य रूप से ये भी आप जान सकते हैं। बाजार से सामान खरीद के ले आए तो अब डोर खोलने के लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सामान लेके आए खड़े हुए तो अपने आप दोनों हाथ में अगर फैला है तो वो डोर खुलेगा और आप सामान उसमें रख सकते हैं। तो ये सब बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। कई लोगों को संदेह है कि मनुष्य को मशीन रिप्लेस कर देगी। मुझे याद है जब कंप्यूटर लोगों के जमाने में नया नया आया था, उस समय भी बड़ा कोहराम मचा था, खासतौर से बैंक में काम करने वाले लोगों ने देश में बड़ा शोर मचाया, इसलिए तो नौकरी खत्म करने का एक सिलसिला शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि अब नए प्रकार के अवसर मिलने वाले हैं, और इसलिए इस गति से और इस परिवर्तन से जो लोग वाकिफ नहीं होंगे शायद उनके लिए कठिनाई होगी। और एक समय था, अगर संस्कृति के इतिहास को एक बार आप गौर करेंगे, तो एक समय था जब न हम बोलना जानते थे, न सुनना जानते थे, न लिखना जानते थे। उस समय संवाद स्थापित करते थे लोग संकेतों में। फिर सभ्यता का विकास हुआ, सभ्यता के विकास के साथ साथ लोगों ने लिखना बोलना शुरू किया। मुझे लगता है कि अब जो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानता है, मुझे लगता है कि वो इलिटरेट कहा जाए,
तो ये परिवर्तन अब उसी तरह इंडस्ट्री 4.0 ये देश का और दुनिया का भविष्य है। मुझे लगता है कि उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और उसकी नई वायु रखी जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा परिवर्तन इसके कारण होगा और जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री एकेडमियां और गवर्नमेंट की भागीदारी से अच्छी चीज खड़ी हो। एक बात का मैं जिक्र करूंगा, अभी 2-3 दिन पहले आपके कन्वोकेशन में भी मैंने बात कही थी, कुछ मित्रों से विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के अभी रिपोर्ट आई, उसको जरा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और उसको मैं कोट करना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है दिल्ली गोवा हिमाचल राजस्थान बिहार झारखंड इन राज्यों से बेहतर हो गई और हमारी बेरोजगारी दर 16.1 जो थी सितंबर महीने में आज 9% पर आकर के खड़ी हुई है। इसका श्रेय यहाँ के समाज शिक्षण संस्थाओं और यहाँ के तेजस्वी नौजवानों को टैलेंटेड यूथ को जाता है। आज से ये ट्रेनिंग कोर्स शुरू भी हो गया है। पिछले दिनों आईटी के डायरेक्टर साहब के साथ एक मेरी चर्चा हुई थी, कुछ पैन आईटी फाउंडेशन के भी कुछ नौजवान साथी आए थे। उस दिन हम लोगों ने एक बात तय की थी क्योंकि कैपेसिटी कॉन्स्टेंट बहुत है जम्मू कश्मीर, बात यहां बहुत अच्छी करते हैं लोग, हाई स्कूल पास आदमी भी आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट है, वो आएगा तो इतना बड़ा ज्ञान देगा टूरिज्म पर लगता है कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, ईमानदारी से इसे स्वीकार करना चाहिए, यहाँ कैपेसिटी कॉन्स्टेंट बहुत है। एक सुझाव डायरेक्टर साहब का था कि हम लोगों को कुछ ऐसी फेलोशिप शुरू करनी चाहिए जहां यंग टैलेंट पूल जो यहाँ का है आईआईटी में आईआईएम में या इस सेंटर से निकला हुआ कोई विद्यार्थी है एनआईटी श्रीनगर, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष 10 विद्यार्थियों को हम लोग फेलोशिप देने जा रहे हैं ताकि ये यंग टैलेंट पूल हमारी कैपेसिटी कॉन्स्टेंट को खत्म कर सके और आने वाले समय में जो चीजें सामान्य रूप से यहाँ दिक्कत क्या है, अभी भी जाने पर 20 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ अभी चल रहा है। दूसरा एक फैसला साहब डीपीआर बना के हमने डीपीआर बना दिया, कौन एहसान कर दिया, जब तक प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है उसके बारे में कोई चर्चा करना मुझे लगता है बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं। जब प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाती है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल हो जाता है तो वही परियोजना जमीन पर लागू होती है, चीजों को बदला जा रहा है, बदलने की कोशिश हो रही है, रेजिस्टेंस बहुत है, मान लीजिए ऐसी जबरदस्त मिली हुई है पड़ी हुई जाती, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रांसपेरेंट ढंग से इफिशियंट ढंग से कैसे काम हो सकता है अगर यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो वास्तव में टैलेंट है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें उपयुक्त वातावरण और उपयुक्त अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हम अपने उस गौरवशाली स्थान को प्राप्त कर सकेंगे। मैं फिर से एक बार स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को, टाटा टेक्नोलॉजी और डायरेक्टर और सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और प्रिंसिपल साहब से आग्रह करना चाहता हूँ, 3 साल बाद टाटा के लोग चले जाएंगे तो 3 साल बाद भी ये प्रोग्राम उसी तरह चलता रहे, मुझे लगता है ये बड़ी भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और इसके लिए खुद को भी और मुझे लगता है कि आपके जो सहयोगी यहाँ है वो लोग तैयार हो सके, क्योंकि नौजवानों की आशा आपसे है, जम्मू के भविष्य को संवारने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस जिम्मेदारी का एहसास करके मुझे विश्वास है कि आप सब आने वाले दिनों में इस संस्थान को देश स्तर पर स्थापित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।